हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली यूक्रोमा क्रीम की, ये क्रीम के क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको कब और कैसे यूज़ करें, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँचे रहे। गाइस, यूक्रोमा क्रीम में 20 ग्राम के पैकेजिंग में आती है। इसका प्राइस है अप्रॉक्स 110 रुपीज़। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। इसको मैन्युफैक्चर करती है यस फार्मा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड ये क्रीम को आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो। गाइस, कई बार हमें फेस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मेलाज्मा हो जाता है, आईपी पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, एज स्पॉट्स हो जाता है, तो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आफ्टर प्रेगनेंसी भी देखी जा सकती है। कई बार मेडिसिन की वजह से हो जाता है, कई बार खान पान गलत होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार बढ़ती उम्र के कारण की स्किन पर दाग धब्बे की प्रॉब्लम हो जाती है, कई कारणों से फेस पर ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास भी जाते तो आपको हाइड्रोक्विनोन बेस क्रीम ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गाइज, ये क्रीम में एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है हाइड्रोक्विनोन 4%। हाइड्रोक्विनोन स्किन को लाइटन करता है, दाग धब्बे को डिक्रीज करता है, स्किन पर जो मेलानिन होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। मेलानिन जिस जगह पर ज़्यादा होती है उस जगह पर स्किन डार्क हो जाती है, उसको लाइटन करने का काम करता है। इसका रिजल्ट काफ़ी फास्ट है, तुरंत अपना रिजल्ट दिखाती है, एंड जितना जल्दी रिजल्ट दिखता है उतना ही उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होने के चांस रहते हैं। तो गाइस, साइड इफेक्ट की बात करें उससे पहले जान लेते हैं इसको कब और कैसे यूज़ करें। ये क्रीम को आपको नाइट में यूज़ करना है। पहले अपने फेस को कोई माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लेना है, उसके बाद थोड़ी सी क्रीम में लेके ओनली इफेक्टेड एरिया में यूज़ करना है। मॉर्निंग में वापस से फेस वॉश कर लेना है। दिन में आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, एंड अपना डे टाइम का जो रूटीन होता है उसमें सनस्क्रीन का ऐड जरूर करें। मिनिमम 40 to 50 SPF वाला सनस्क्रीन का अप्लाई आपको करना है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये क्रीम का आपको यूज नहीं करना है। इसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लगातार लंबे समय तक ये नहीं करना। अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हो तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है, स्किन लाल पड़ जाती है, एंड हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम का रिजल्ट यही है कि जब तक आप ये यूज़ करते हो तब तक इसका रिजल्ट दिखता है। जैसे आप ये क्रीम को यूज़ करना छोड़ देते हो तो स्किन पहले जैसी हो जाती है, तो स्किन को एडिक्टेड बना देती है। इसलिए आपको जब भी यूज़ करना है तो अपने अपने फेस पे तो डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें। तो गाइज, ये थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।